खारिज करते हुए उसकी घोषणा करेंगे। सर, पूरी तरह से गलत, निरर्थक और अफवाहों पर आधारित है। क्वेश्चन लीक होने के बाद पूरी तरह से निराधार, निरर्थक और असत्य है, और ऐसा कुछ असामाजिक तत्व और कुछ वैसे माफिया किस्म के लोग इस प्रकार की गलत अफवाह उड़ाते हैं। इंटर की परीक्षा में भी इस बार ऐसा ही देखा गया कि लोगों ने पहले दिन, दूसरे दिन या तो पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर या अन्य किसी भी चीज का फोटोकॉपी उठा के वायरल कर दिया, और जब परीक्षा खत्म होने के बाद जब परीक्षार्थी निकले तो ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर फर्जी पाए गए। इसीलिए इस बात पर पुनः एक बार हम परीक्षार्थियों से अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार की गलत, निरर्थक और निराधार बातों पर ध्यान नहीं दें, और जो भी लोग ऐसा कहकर या ऐसी सूचना देकर आपको ठगने का प्रयास करते हैं उनसे सावधान रहें और उनके विरुद्ध में स्थानीय थाने में FIR दर्ज करें। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जो विद्यार्थियों को ध्यान देने की बात है कि हर विषय के हर क्वेश्चन पेपर का 10 सेट है और 10 सेट के क्वेश्चन पेपर का क्रम अलग होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वायरल की संभावना ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थी को अंदर कौन सा सेट मिलेगा यह तय नहीं है, यह पूरी तरह से रैंडम रूप से निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के चीजों पर ध्यान नहीं दें और पूरे मनोयोग के साथ परीक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।